दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आइपिल्स की खुराक क्या होनी चाहिए, किस तरह से आइपिल्स लेनी चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और इसे लेने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो मैं आ रही इस वीडियो में सारी चीजें आपको। आईपीएल कब लेना चाहिए? आईपीएल जो है असुरक्षित यौन संबंध, यानी कि असुरक्षित जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं उसके बाद ही आपको जो है 72 घंटों के अंदर की गोली लेनी होती है। 72 घंटों के अंदर यानी कि 3 दिन के अंदर जितनी जल्दी हो सके आप इसे ज़रूर से ज़रूर ले। और उसी के साथ इसको लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है, इसे भोजन के बाद यानी कि खाना खाने के बाद ही, खाली पेट आप इसे जल्दी नहीं खाइएगा क्योंकि इससे जो है साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो भोजन के बाद हल्के गर्म पानी से इसका सेवन करना चाहिए, इसे लेना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं कि इसे कितनी मात्रा में ले, तो जनरली इसके साथ एक टैबलेट आती है, सिर्फ एक ही टैबलेट आपको लेनी है और इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी चाहिए। बाकी आप जो है डॉक्टर के कंसल्ट से ही इसे लें। इसे लेने के बाद आपको ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, बाहर नहीं जाना है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि इससे कुछ सिम्टम्स होते हैं कि नींद आती है और नींद आने की वजह से आपको चक्कर भी आ सकते हैं। इस वजह से इसे लेने के बाद ड्राइविंग जैसे घूमने जैसी चीज़ें एक्टिविटी आपको नहीं करनी चाहिए। जब भी आप आईपीएल खरीदें तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। आपको इसे लेने से पहले इसकी एमएफजी डेट यानी कि कब ये मैन्युफैक्चर हुई है, कब ये बनी है, उसकी चेकिंग जरूर कर लेनी चाहिए। अगर आप ये नहीं करते हैं तो इससे साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करना और जी हाँ कमेंट सेक्शन पे अपने सवाल हमसे ज़रूर शेयर कीजिए और जी हाँ मुझे ज़रूर कॉल कीजिए, मुझे कंसल्ट लीजिए। कंसल्ट नंबर यानी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, कॉमेंट सेक्शन पर है। थैंक यू सो मच।